नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। इटावा में सिटी स्कैन करने वाले कर्मचारियों की अभद्रता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा जब सिटी स्कैन के बारे में जानकारी करनी चाहिए तो वहां पर उपस्थित स्टाफ के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, जिसको लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, बात अगर संज्ञान में आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। जहां तीमारदारों से सिटी स्कैन के नाम पर लगातार धन उगाही का खेल चलता रहा है। पत्रकारों ने जब इसको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है, अगर रुपये लेनदेन का कोई मामला सामने आए तो संज्ञान लिया जाएगा। जबकि पीड़ितों का यह कहना है कि हम सुबह से 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, पर जो भी सुविधा शुल्क दे देता है तो उसका नंबर जल्दी आ जाता है और जो सुविधा शुल्क नहीं देता उनके नंबर शाम तक आते हैं। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो आप दिन में कितनी बार जिला अस्पताल में राउंड पर जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं एक भी बार नहीं जाता हूं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि किसी भी तीमारदार को स्वास्थ्य की दवा एवं अनुसंधान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ की रहने वाली? इटावा से। यहाँ पे आज जिला अस्पताल में आई हैं आप, क्या सिटी स्कैन करवाने आए थे तो डॉक्टर चक्कर कटवाते रहे, फिर मुझसे 500 रुपए लिए। 500 रुपए कहाँ पे लिए? सिटी स्कैन नहीं, ऊपर डॉक्टर के पास। किस तरह से पैसे का लेन देन यहाँ किया जाता है, कुछ जानकारी हुई आपको? नहीं, वो पहले तो करते नहीं थे, हम सैफई से आए थे तो उन्होंने किया नहीं, फिर उन्होंने पैसे मांगे तब किया। जब आपने पैसे दिए उसके बाद? हाँ, उसके बाद किया। कितना टाइम लगा उसके बाद भी? उसके बाद 5 मिनट लगे बस, फिर इसके बाद हम सुबह से आए सिटी स्कैन में बैठे रहे तब अभी हुआ है। हाँ, 10 दिन बैठा था। जो सीटी स्कैन हो रहा है उसमें सीटी स्कैन में पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। अभी आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में आया है कि एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है और इसको मैं संज्ञान में लेते हुए एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जांच कराने का आदेश दूंगा और जांच में जो भी निर्णय निकल के आएगा वो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहाँ कई तीमारदार हैं जिनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि या तो विभागीय लोग आते हैं वो अपने सीटी स्कैन करवा लेते हैं या फिर रुपये दे के सीटी स्कैन हो रहा है। देखिए, अगर कोई तीमारदार या आप उसका प्रूफ ला के दे देंगे तो जिसने पैसा दिया गया उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बाइट दिया, बाइट देना अलग चीज़ है और यदि उसका सत्यापन प्रूफ आप दे पाते हैं। 8 बजे के बैठे हैं और अभी 2 बजे रहे हैं, अभी तक एप्लीकेशन का नंबर नहीं। उन्होंने बयान दर्ज कराया कि 8 बजे के बैठे हैं, मेरे द्वारा 9:15 बजे राउंड किया गया था, वहाँ पर कोई भी मरीज़ नहीं बैठा था वहाँ पर। आप लेते हैं? है ना, अरे मैं आज की बात कर रहा हूँ। और आप नहीं, आप रुक जाइए, आप अपनी बात कह रहे हैं, हम लोगों की बात तो सुनते नहीं हैं। अरे तो आप, मैं राउंड बिल्कुल नहीं लेता, अब बताइए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।